साप्ताहिक करंट अफेयर 1 से 7 नवंबर। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो ये भारत ने किया है, भारत की ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला जो मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान है, ये केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये 29 अक्टूबर 2021 को चेन्नई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आता है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया? तो 6वें का। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एनसीआरबी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड किए गए हैं। आप देखें पिछले 1-2 साल से जो लॉकडाउन के दौरान, जैसे कि सुशांत सिंह का एक सुसाइड किस राय से, बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी सुसाइड किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है, भारत के किस राज्य में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का निधन हो गया? तो उनका जन्म पंजाब में हुआ था, वो एक अच्छी अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है, DRDO और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो है भारतीय वायुसेना और DRDO ने पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं DRDO पे। DRDO वो डिफेंस, हाँ ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी चांदीपुर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है, 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, 16वें G20 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इटली ने की। 16वां जो G20 शिखर सम्मेलन जो 30 से 31 अक्टूबर के बीच इटली की राजधानी रोम में हुआ है, इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। अगर इसकी मोटो की बात करें तो पीपल प्लानेट एंड प्रॉस्पर्टी रहा है। और अगला जो G20 होगा 2022 में, वो बाली इंडोनेशिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग 79 यानी कि 79 रही है। अगर पहली अच्छी रैंकिंग की बात करें टॉप रैंकिंग्स की, तो इसमें कौन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, जो चेन्नई से मैसूर और मैसूर से चेन्नई के बीच जो शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, वो IMS से प्रमाणित पहली ट्रेन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगलार वन्य जीव अभ्यारण को एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो उनका कार्यकाल 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन झा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का निदेशक अपॉइंट किया गया, जो कि परियोजना निदेशक रहेंगे। देखिए, निदेशक और प्रबंध निदेशक अलग अलग बात है, आप चीफ की बात नहीं यहां पे हो रही है। अगर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो ये अभी जो महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है, तो 10 से 11 महारत्न कंपनियां हो गई हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को मिला करके। इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की बात करें तो रविंद्र सिंह ढिल्लो हैं, ठीक है। और इसके जो हमारे 5 जो निदेशक की बात हुई है, 5 निदेशकों में से एक राजीव रंजन भी है। उनमें एक PK सिंह हैं जो वाणिज्य निदेशक हैं, एक परमिंद्रा चोपड़ा फीमेल हैं वो वित्त की हैं, राजीव रंजन परियोजना के निदेशक हैं, विशाल कपूर सरकारी नामती निदेशक हैं और RC मिश्रा जो कि स्वतंत्र निदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आता है,
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के कितने है ना प्रधानमंत्री के लिए कितने सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया, तो इसमें 7 आर्थिक सलाहकार हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्थिक यानी धन से संबंधित कोई भी पैसे के लेन देन से संबंधित सलाह देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आता है, त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने कौन सी एक विशेष ट्रेन का उद्घाटन किया है, तो वो है गति शक्ति एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने गति शक्ति एक्सप्रेस एक स्पेशल ट्रेन चलाई है, तो सबसे पहले तो भारतीय रेलवे को धन्यवाद जाता है। 15 नंबर हमारा आता है, इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अभी बता चुका हूँ मैं कि बाली इंडोनेशिया में जो हमारा 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 16 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो कि फांसी की सजा के खिलाफ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17, इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित करने का निर्णय लिया गया, दो इंडोनेशिया, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, बाली में। अगर 16 में G20 की बात करें तो इटली के रोम में हुआ है 31-31 अक्टूबर को। मोटो की बात करें तो पीपल प्लानेट एंड प्रॉस्पर्टी रहा है, ठीक। 19 नंबर आता है, किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। देखिए इनका नाम ही अफगान है तो समझ सकते हो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 20 नंबर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया है, तो 2070 तक जो भारत कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का भारत ने संकल्प लिया है, कब तक, 2070 तक। अगला 21 नंबर क्वेश्चन आता है, किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, तो किसको किया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को, ये किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया था। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP ने किस सम्मेलन में इंटरनेशनल मेथाने इमिशंस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है, तो G20 शिखर सम्मेलन में ही इसको लॉन्च किया गया है, जो कि 16वां G20 शिखर सम्मेलन इटली की राजधानी रोम में 30-31 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया है। अगला जो हमारा 22 में 17वां G20 होगा वो बाली कहाँ पर होगा, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट आता है हमारा 23 नंबर आता है, पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस राजनीतिक पार्टी को छोड़ने की घोषणा की है, छोड़ दी, तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 आता है, किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, तो अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध या बैन लगाने की घोषणा की है, यानी कि भारत की मुद्रा अब अफगानिस्तान में नहीं चलेगी। अगला हमारा 25 नंबर आता है, जारी ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 834 रेटिंग के साथ कौन खिलाड़ी पहले स्थान पर है, तो बाबर आजम, भाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तानी बाबर आजम। अगला 26 नंबर आता है, किस शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर्स विशाखापट्टनम का पहला जहाज़ डिलीवर किया, तो मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने। 27 नंबर पे आते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी भाषाओं में आम बोलचाल की भाषा में वाक् सीखने में मदद के लिए संगम ऐप लॉन्च किया है, तो 22 भाषाओं में, ठीक है, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, तो शिक्षा मंत्रालय का जो पहले नाम रहा था, शिक्षा मंत्रालय का पहले क्या नाम था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारा, डेमन गलगुट ने अपने किस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज 2021 जीता है, डेमन गलगुट को बुकर प्राइज 2021 मिला उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। डेमन
कैलकॉट कौन है, एक दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं, ठीक है। इनका लगभग ये छठा वो बुक या उपन्यास है, ठीक है। अब बात करते हैं बुकर प्राइज़ की, तो बुकर प्राइज़ की स्थापना 1969 में इंग्लैंड के द्वारा की गई। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और पुरस्कार विजेता को $60,000 की राशि भी मिलती है। 29 नंबर पे आते हैं, किस देश ने कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी मानी जा रही मार्क एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दी, ब्रिटेन ने। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जम्मू कश्मीर। एप्पल का नाम आए तो भाई जम्मू कश्मीर में कश्मीरी से मस्त उगाए जाते हैं। नेक्स्ट 31 आता है हमारा, किस मंत्रालय और फ्लिपकार्ट का नाम जानते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, किस मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आता है, FICCI के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अरुण चावला के लिए। कमेंट करके बताइए FICCI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आता है 33 नंबर, WHO ने भारत की किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में स्थान दिया है, तो कोवैक्सीन जो भारत की वैक्सीन है वो इमरजेंसी में यूज़ की जाएगी। अगला हमारा 34 नंबर आता है कि 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये किसके द्वारा, UN जनरल असेंबली के द्वारा 2001 में स्टार्ट किया गया था, घोषणा की गई थी। अस्ट हमारा 35 नंबर आता है कि 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इन्फेंट प्रोटेक्शन डे और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2014 में स्टार्ट किया गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।